ये है मेरी इलायची जिसको मैंने पीस लिया है, ये है मेरे बादाम जिनको मैंने कट कर लिया है, किशमिश मैंने हाफ कर दी है और ये पिस्ता भी मैंने काट लिया है। अब इसके बाद मैं करूँगी लौंगी चीनी, एक कटोरी मैंने चीनी लिया है और इसी के साथ मैंने ब्रेड कुछ 10 पीसेस ब्रेड लिए थे जिसके मैंने कॉर्नर्स कट कर दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक पतीला लिया है, पतीले के अंदर मैंने पानी और अब मैं ये सारी चीनी इसके अंदर डाल दूँगी और इसे चाशनी बनाने के लिए रख दूँगी। इसको थोड़ा बॉईल करेंगे, जैसे कि 10 से 15 मिनट इसको पानी को अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए छोड़ रही हूँ, साथ ही साथ मैं इसके साथ यहाँ पर कुछ इलायची का टेस्ट के लिए मैं ये डाल दूँगी, इलायची पाउडर। अभी मैंने ये दूध इस ब्रेड के अंदर डाला है और सिर्फ इसको मैश कर रही हूँ मैं अच्छे से। अब जो मैंने गोल अपने आटे के जो मैंने रसगुल्ले बनाए थे उसको मैंने ऑयल में डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन होने दूंगी और उसको डायरेक्टली एकदम सीधा यहाँ से निकाल के अपनी चाशनी के अंदर डालूंगी। अब जैसे कि आप इसको देख रहे हैं इनका कलर चेंज हो गया है, जैसा कलर हमें चाहिए था वैसा कलर हो गया है। अब इसको मैं डालूँगी अपनी चाशनी में और कुछ देर के लिए इनको चाशनी के अंदर ही छोड़ दूंगी। ये रहे मेरे गुलाब जामुन और ये अभी काफ़ी इन्होंने रस पी लिया है बट मैंने अभी इसको बाहर निकाला है और ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। आई होप कि आपको मेरा ये आज का रेसिपी पसंद आया हो। बहुत इजी है, 10-15 मिनट्स में पूरे गुलाब जामुन आप आराम से घर पे बैठे बैठे बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और बाहर जाकर या बाहर की चीज़ें खाना मना है, तो घर पे बैठे बैठे भी आप ये सब कर सकते हैं। वाह।